नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी एग्यू के रेलवे के एक और जीके के स्पेशल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो, बस इसी जगह मिस्टेक हो जाती है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया कर किस यौगिक का निर्माण करता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड का। अगला क्वेश्चन है, मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर हो गया अमोनिया। उसके बाद में क्वेश्चन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रभावित करने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो ऐसा करने पर घोल का रंग हरा हो जाता है। प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो प्राकृतिक रबर में सल्फर मिला दिया जाता है। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? उस गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। बार बार पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट का। वह जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता तो कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये मेरे हिसाब से 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो इसमें होता है टेफलॉन का लेप। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, विरंजक के रूप में सूती कपड़ों कागजों आदि के रंग उड़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रंग उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किया जाता है नियॉन लैंप का। और मैं आप सभी लोगों को बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि जिन लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में, आप लोग भी एक बार देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जब तक आप इस बेल के आइकन को क्लिक नहीं करोगे आपके पास में नोटिफिकेशन टाइम से नहीं आएगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को क्लिक कर लो, सो दैट आपके पास में रेगुलर वीडियो पहुंच। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया है, ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल का। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में कौन सा गैस रहता है? तो इनमें होता है सोडियम। जब एथिलीन की प्रक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ में कराई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? इससे प्राप्त होती है मस्टर्ड गैस। मौसम संबंधी ज्ञान के प्रेक्षक गुब्बारों के भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस का। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ये करी थी न्यूटन ने। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, खोजकर्ता प्रीस्टाले। गाड़ियों में ड्राइवर के पास क्या होता है? उत्तल लेंस, जिससे कि वो पीछे का साफ साफ देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है हमारा 24 कैरेट का। चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो ये किया जाता है ओरस्टेड। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये होता है 300 मीटर पर सेकेंड। कूलम्ब किसकी इकाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलम्ब। आगे बढ़ते हैं, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये वैज्ञानिक संबंधित थे जर्मनी से। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन विधि के कारण, और ये 2014 में 2012 में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है संवहन के ऊपर। उसके बाद में ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? सबसे कम होता है गैसों में, और ठोस में सबसे अधिक होता है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है
तो उसमें उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इसी तरीके से रेगुलर आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल के आइकन बना होगा उस पर क्लिक जरूर कर लें, सो दैट आपको रेगुलर मेरे वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।